हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रेडिशनल राजस्थानी टर्बन मैन वाला लिपन आर्ट। तो आज कुछ नए तरीके से इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले मैं अप्लाई किया स्किन कलर, जो मैंने व्हाइट और ऑरेंज कलर को मिक्स करके बनाया है। इसी तरीके से पूरे बॉडी में स्किन कलर कर लेंगे। के बाद बारी है कुर्ते की। कुर्ते में मैं यूज कर रही हूँ मस्टर्ड येलो कलर। इसी तरीके से पेंट ब्रश से अच्छे से कलर कर लेंगे। कुर्ते को कंप्लीट करने के बाद बारी आती है टर्बन की। सबसे पहले मैंने लिया है येलो कलर, येलो के बाद ग्रीन कलर, ग्रीन के बाद मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर, डार्क ब्लू कलर। इसी तरीके से आप भी कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स करने से थोड़ा ट्रेडिशनल लुक आ रहा है, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से सारे टर्बन को अच्छे से कलर करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे जैसो अप्लाई करना भूल गई हूँ। आप जरूर याद रखना कि कलर करने से पहले जैसो जरूर अप्लाई करें। अब बारी है मूछों को कलर करने की। मूछों को और आईब्रोज को मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से कर रही हूँ। अब आप सब ये सोच रहे होंगे मैंने आईज को कलर क्यों नहीं किया, तो उसके लिए आपको आगे तक वीडियो देखना पड़ेगा। बारी है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर्स की वजह से कलर्स बहुत ब्राइट लगते हैं, इसीलिए मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। बैकग्राउंड अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब बारी है आईज की। तो देखिए यहाँ पे आईज के लिए और आउटलाइन के लिए मैंने लिया है 3D आउटलाइनर। वैसे तो आउटलाइन मोडेड क्ले से करनी चाहिए, बट हमारे MDF बेस का साइज बहुत छोटा था, इसीलिए यहाँ पे मैं क्ले की जगह 3D आउटलाइनर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो क्ले भी यूज कर सकते हैं अगर 3D आउटलाइनर नहीं है तो। इसी तरीके से पूरे ड्राइंग की आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से ड्राई कर लेंगे। टर्बन को और इनहेंस करने के लिए 3D आउटलाइनर से मैं डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंट शेड्स के 3D आउटलाइनर से पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ही हमारी टर्बन कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं मिरर्स। मिरर्स लिए हैं मैंने डायमंड शेप्स के, जो मैं बॉर्डर पे अप्लाई कर रही हूँ बॉर्डर के लिए। तो इसी तरीके से हम डायमंड शेप्स के मिरर्स बॉर्डर पे अच्छे से चिपका लेंगे। अब बारी है टर्बन की। तो टर्बन पे भी हमें इसी तरीके से डिफरेंट शेप्स और साइज के मिरर्स अप्लाई करने हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ ड्रॉप शेप मिरर्स एंड लीव शेप मिरर्स। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइज के मिरर्स यूज किए हैं। अब हमने लिया है डायमंड शेप मिरर्स, इसी तरीके से लगा देंगे। तो देखिए हमारा आर्ट बनके तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।